हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम आड्डा 2.0। आज क्लास रे हम डिस्कशन करिबा मार्च 2024 रो टॉप 50 करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो टी फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर एंड लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। काहेकि ना अपन एग्जाम बहुत कम दिन रही, आमर 24 अप्रैल आरंभ होउची, आमर 7 मे पर्यंत चलिबो। तो से इम्पोर्टेन्ट रमें प्रति मासर जानुरी भी नहीं कि आसवा, फेब्रुआरी भी नहीं कि आसवा, तो आमर डिसेंबर नवंबर भी नहीं कि आसवा। लास्ट 6 मंथर करेंट अफेयर्स निहाती भाव देखिए, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम देवा पूर्व लास्ट 6 मंथ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रही। तो आम कौन करवा ना, बर्तमान आम जानुरी फेब्रुआरी मार्च 2023 ने आपर एप्रिल तो एग्जाम आसगला, मे बी एप्रिल किसी आसब 10 तारीख पर्यटन, आम 15 तारीख पर्यटन जहाँ कि आम डिस्कसन करवा, कहीं एप्रिल आसार चान्स बहुत कम, कहीं क्वेश्चन अलरेडी बनी जाइ। तो आम लास्ट आम 3 मास रोचे आमर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर 2023। तो 6 मास आम फोकस करवा, आराम से आम भल मार्क रखिपर करेन्ट अफेयर्स। करेन्ट अफेयर्स आप 5 रु 7 मार्क आप आसो, 5 रु 7 मार्क करेन्ट अफेयर्स आसो, तो से इम्पोर्टेन्ट र। टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कशन करवा ओनली 25 मिनट भितर, केवल 25 मिनट भितर आम डिस्कशन करवा। तो प्रथम क्वेश्चन सहित स्टार्ट करवा, आपण मैंने 50 रु केत मार्क रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनई पारे। तो फास्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बिकम द फास्ट ओमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। से कहते BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्रथम ओमेन स्नाइपर किए बनिले, फास्ट ओमेन स्नाइपर बनिले BSF से होती कौन किए ना, से होती आमर ऑप्शन 4 रही, शालिजा धामी, शिवा चौहान, दीपिका मिश्र ना सुमन कुमारी। तो करेक्ट आंसर होची कौन, ऑप्शन नंबर डी सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ता पूर्व आम आउट इंपोर्टेंट रही, BSF आपको पचार डीजी किए वर्तमान अच्छा पचार, हु इज द करेन्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट रहा, आमर BSF डायरेक्टर जनरल किए अच्छे पचार, कौन हम ना नितिन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल मन रखिए, डीजी होती नितिन अग्रवाल BSF एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहा। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट रही, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री हैव अचीव्ड द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। से कहते आमर केतोटी रेलवे स्टेशन आमर भारत में रिसेंटली ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट पाई। तो 4 ऑप्शन रही, 100, 125, 150 ना 175। तो प्रति वर्ष FSSAI फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रति वर्ष आमर ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दौर जो रेलवे स्टेशन रे खाना पीना सब ठीक ठाक रोच। तो से कहते हैं यही वर्ष 2024 ऑल इंडिया लेवल रे केतोटा स्टेशन को ईट राइट सर्टिफिकेट दिया जाए, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया जाए केतोटा ना 150 रेलवे स्टेशन, 150 रेलवे स्टेशन को दिया जाए। तो एग्जाम पचार ओडिशा रे केतोटा रेलवे स्टेशन को दिया जाए, ओडिशा रे यही वर्ष 2024 केतोटा रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया जाए। तो केतोटा हम ना 4टा, से 4टा कौन कौन मन रखिए, 4टा होची भुवनेश्वर, पुरी, कटक एंड झारसुगुड़ा, मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। तो पार्लियामेंटर सिक्योरिटी वर्तमान नुआ हेड क्या निजुक्त करा, कहीं पार्लियामेंट रे हमरो बहुत पूर्व हमरो टेररिस्ट अटैक करते, तो ताकु दृष्टि रखी वर्तमान पार्लियामेंटर सुरक्षा पार्लियामेंटर सिक्योरिटी हेड निजुक्त करा, ना कौन से पचार पार्लियामेंट सिक्योरिटी हेड वर्तमान नुआ निजुक्त होती, से होती किए ना, से होती अनुराग अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर अनुराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, इन व्हिच स्टेट डिड PM मोदी इनॉग्रेट इंडिया फास्ट अंडर वाटर मेट्रो। से यहाँ एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। से कहिछि जे कौ स्टेट रे प्रधानमंत्री मोदी भारत प्रथम अंडर वाटर मेट्रो को उद्घाटन करिछंती, अंडर वाटर मेट्रो को उद्घाटन करिछंती कौ स्टेट रे, तो करेक्ट आंसर होछि वेस्ट बेंगल रे, एटा इंडिया प्रथम अंडर वाटर मेट्रो, से मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु ओन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। से कहते 2024 नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल रे प्रथम प्राइज किए जीति, फर्स्ट प्राइज विनर हो किए ना, से हो किए ना यतीन भास्कर दुग्गल, यतीन भास्कर दुग्गल, ऑप्शन नंबर बी हो सटिक आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्वेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एव्री इयर से कहते प्रतिवर्ष अंतराष्ट्रीय महिला दिवस केबे पालन कराए ये क्वेश्चन टा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ बहुत थर आम एग्जाम आसी बहुत बार आम एग्जाम आसी तो देखते आप मानकर करेक्ट आंसर हो मार्च एट हूँ इंटरनेशनल वुमेन्स डे एग्जाम पचार 2024 आमर इंटरनेशनल वुमेन्स डे थीम कौन अच्छी पचार बहुत थर आम एग्जाम पचार थीम कौन पचार थीम हम कौन ना थीम हूँ इनवेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस इनवेस्ट इन वुमेन तापर वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस तो मन रखिए इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस हो 2024 इंटरनेशनल वुमेन्स डे रो थीम तो थीम पचारे इंपोर्टेंट रही थीम आम देखिले नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सिटी इज सेट टू रिसीव इंडिया फास्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रे कहे आमर इंडिया प्रथम ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कौ सहर से चलो तो वर्तमान तार ट्रायल चलती ऑलरेडी ट्रायल सरी जा तो इंडिया फास्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलो कौटी ना कौटी चलो ना से बेंगालुरु ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर कर्णाटक बेंगालुरु रे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री डिड क्रिस्टिना पिस्कोवा द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड टाइटल 2024 मिस वर्ल्ड टाइटल विनर किए बोली पचारि तो विनर हूँ किए जब पचार आपको व्हिच द 2024 मिस वर्ल्ड टाइटल विनर ताल कौन हम क्रिस्टिना पिस्कोवा पचार कौ देश बिलंग करुच्चे कौ देश बिलंग कर से चेक रिपब्लिक रु बिलंग करुच्चे पचार कौ देश बिलंग कर पचार ना दे थो नचे पचार आप वर्ष 2024 मिस वर्ल्ड टाइटल विनर किए तो एग्जाम इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट रही व्हिच कंट्री हैज बीन अवार्डेड मिशल्स एंड रुबेला चंपियन अवार्ड 2024 तो यही मिशल्स एंड रुबेला चंपियन अवार्ड रे कौ देश को पुरस्कृत कर तो कौ देश पुरस्कृत होती तो ये आम यूएसए अच्छी यूके अच्छी इंडिया अच्छी चाइना अच्छी तो करेक्ट आंसर होती आम देश इंडिया ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही इन व्हिच इंडियन स्टेट वाज आईरिश इंडिया फर्स्ट एआई टीचर रोबोट इंट्रोड्यूस टू रिडिफाइन एजुकेशन से कहे इंडिया प्रथम कौ स्टेट्रे आम आईरिश नामक इंडिया फास्ट एआई बा आर्टिफिशियल टीचर को लॉन्च करी जी कि रोबोट ये रोबोट टीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे लेस है तो वर्तमान कौटी आमर एटा लॉन्च करा एटा इंट्रोड्यूस करा कौटी एजुकेशन सेक्टर इंट्रोड्यूस करा टीचर रूपे ये होची केरला एग्जाम इंपोर्टेंट है केरल नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विथ द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट हे से कहते मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रिसेंटली क्या दि जाए तो आमर मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से पुरस्कृत होती किए से नीता अंबानी ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नीता अंबानी नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच स्टेट डिड इंडिया वाज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल इनॉग्रेटेड से कहते इंडिया कौ स्टेट रे विश्वर सब लंबा ट्विन लेन टनल को इनॉग्रेट करा जाइछि तो करेक्ट आंसर हम कौन ना अरुणाचल प्रदेश कौटी अरुणाचल प्रदेश एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो से पचारिबो वर्ल्ड रो लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनेल रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश रे आमर इनॉग्रेट करा जाइछि ता ना कौन पचारिबो ताहले कौन हबो सेला टनेल SELA सेला टनेल तो मन रखे एग्जाम पचारि पारे कहीं लॉन्गेस्ट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनेल से इंपोर्टेंट रहा सेला टनेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पारा ओलंपिक कमिटी ऑफ इंडिया तो पारा ओलंपिक कमिटी ऑफ इंडिया वर्तमान नुआ प्रेसिडेंट किए नियुक्ति हेले पूर्व आमर किए थे ना दीपा मल्लिक थिले वर्तमान नुआ आमर प्रेसिडेंट होती पारा ओलंपिक कमिटी सी होती किए ना से होती देवेंद्र झाझरिया ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर देवेंद्र झाझरिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही
इन व्हिच इंडियन रीजन डिड पुलिस लॉन्च ऑपरेशन कामधेनु टू कंबैट कैटल स्मगलिंग। से कहते इंडिया कौ एरिया रे कौ अंचल रे पुलिस रिसेंटली ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च करछि कौन पाई ना आमर जो कैटल स्मगलिंग होछि जो आमर गाई गोरु जो चोरा चालान चली रोकवाई वर्तमान ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च कर पुलिस मानक द्वारा से कौ एरिया रे लॉन्च कर तो करेक्ट आंसर होची जम्मू एंड काश्मीर रे ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर जम्मू एंड काश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। रिसेंटली हरियाणा रो नुआ चीफ मिनिस्टर नियुक्ति होती ना कौन से पचार तो हरियाणा रो चीफ मिनिस्टर किए थे ना ये होती मनोहर लाल खट्टर जे कि बीजेपी पार्टी बिलंग कर रिसेंटली नुआ बनी मनोहर लाल खट्टर तो पूर्व पांच वर्ष थिले वर्तमान नुआ रे किए बनने से पचार तो नुआ चीफ इलेक्शन चीफ मिनिस्टर अच्छा नुआ मुख्यमंत्री बनने हरियाणा से होती नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी वर्तमान नुआ चीफ मिनिस्टर बनी हरियाणा रो तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच फील्ड डिड रिकेन यामा मोटो विन द 2024 प्रिजकर प्राइज। 2024 प्रिजकर प्राइज किए जीति सी होती रिकेन यामा मोटो तो से कौ फील्ड रे पाई आमर प्रिजकर प्राइज कौ फील्ड रे दिया जाए प्रिजकर प्राइज दि जाए कौ फील्ड रे ना आर्किटेक्चर क्षेत्र में जो मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दौंट ताकू दि जाए तो मन रखिए 2024 प्रिजकर प्राइज विनर होती रिकेन यामा मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू इलेक्शन कमिशनर। वर्तमान दुईटा नुआ इलेक्शन कमिशनर नियुक्ति होती से ना से पचार कौन हम सुखबीर संधु ज्ञानेश कुमार राजीव सिन्हा ना बोथ ए एंड बी तो देखते नुआ इलेक्शन कमिशनर बनी सुखबीर सिंह संधु एंड ज्ञानेश कुमार ये दुज बनी तो एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहा आउ गोटे इंपोर्टेंट मन रखिए ये तो केवल इलेक्शन कमिशनर चीफ इलेक्शन कमिशनर पचार कौन हम ना राजीव कुमार। राजीव कुमार होची चीफ इलेक्शन कमिशनर वर्तमान अच्छा वर्तमान पचार हु इज द चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया ताहले राजीव कुमार मन रखिए एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहा इलेक्शन अच्छी तो आम इलेक्शन कमिशन उपरे पचार। नेक्स्ट रही ह्विच टीम ओन द रणजी ट्रॉफी टाइटल 2024 से कहते 2024 रणजी ट्रॉफी टाइटल विनर किए 2024 रणजी ट्रॉफी टाइटल विनर हो किए ना सी हो मुंबई क्या कहरे ना विदर्भ को परास्त करके मुंबई 2024 रणजी ट्रॉफी टाइटल विनर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द रिसेंटली डिस्कस्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 हैज बीन रिलीज्ड बाय ह्विच फॉलोइंग। से कहे कौ रिसेंटली कौ ऑर्गेनाइजेशन बा कौ इंस्टीट्यूट रिसेंटली 2024 डेमोक्रेसी रिपोर्ट को रिलीज कर 2024 डेमोक्रेसी रिपोर्ट को रिलीज कर किए ना सी हो भी डेम इंस्टीट्यूट भी डेम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एग्जाम पर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रही है तो से कहते 2024 ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे इंडिया रैंक के ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे इंडिया रैंक हो इंडिया रैंक हो 134th 134 अच्छी इंडिया रैंक तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सॉरी हु बीइंग द फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्री लीडर टू रिसीव द प्रेस्टिजियस ऑनर रिसीव्ड द 2024 आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड। से कहते 2024 गोल्डन कंपास अवार्ड विनर किए फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जे कि गोल्डन कंपास अवार्ड पाई से होती मिस्टर श्रीनिवासन स्वामी मिस्टर श्रीनिवासन स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। से कहते सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रो नुआ चेयरमैन किए बनिले सीबीएसई रो नुआ चेयरमैन बनिले किए सीबीएसई रो नुआ चेयरमैन बनिले से होचंती किए से होचंती राहुल सिंह। राहुल सिंह ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर राहुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क बीन कंस्ट्रक्टेड। से कहते वर्ल्ड रो प्रथम 3D प्रिंटेड मस्जिद मस्क बा मस्जिद को कोठी निर्माण करागला कोठी निर्माण करा जाइछि वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मस्क बनिछि कोठी साउदी अरेबिया ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर साउदी अरेबिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन से कहि रिसेंटली को कंपनी वर्ल्ड रो प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को लॉन्च कला तो एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो के लॉन्च करछि ना कॉग्निशन कंपनी एटा यूएस रो गोटे कंपनी कॉग्निशन कंपनी से लॉन्च करछि वर्ल्ड रो फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ता ना रहिछि डेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर वाज इंडिया फर्स्ट इंडोर आथलेटिक्स सेंटर इनॉग्रेटेड से कहि कौ जगार भारत प्रथम इंडोर आथलेटिक्स सेंटर को इनॉग्रेट कर उद्घाटन कर भारत फर्स्ट इंडोर आथलेटिक्स सेंटर कौटी ना भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम इनॉग्रेट कर भुवनेश्वर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी होछ करेक्ट आंसर भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप हु वाज अवार्डेड द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी वर्क तो फिलैंथ्रोपी वर्क क्या पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रे पुरस्कृत करागला एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट हो फिलैंथ्रोपी माने लोकों को पैसा से साहाज्य करछन हमर समाज को साहाज्य करछन लोकों को पैसा से माने से दौछन्ती तो लोकों समाज सेवा पैसा से खर्च करते जो पी भी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दि जाए से होती रतन टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन द संतोष ट्रॉफी 2023-24 टाइटल से कहते 2023-24 संतोष ट्रॉफी टाइटल विनर किए 2023-24 संतोष ट्रॉफी टाइटल विनर हो किए ना सी हूँ सर्विसेस ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर सर्विसेस आउटे आप गोटे होमवर्क रोचे जो संतोष ट्रॉफीटा कौ खेल सहित रिलेटेड आप एग्जाम पचार संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हिच गेम्स और स्पोर्ट्स कौ खेल सहित संपर्कित आपने कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन चूजन बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एज द नेशनल डिसेबिलिटी आइकन बा नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन डिसेबिलिटी जहाँ पीडब्ल्यूडी से आप पचार नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन दे थी कि नेशनल डिसेबिलिटी आइकन रूपे क्या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर तो करेक्ट आंसर हूँ किए सी होती शीतल देवी शीतल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टीम ओन द टाइटल ऑफ सेकंड सीजन ऑफ द वुमेन प्रीमियर लीग आमर आईपीएल अच्छी देखी वर्तमान आईपीएल चली डब्ल्यूपीएल वुमेन प्रीमियर लीग मत आम चली तो से कही सेकेंड सीजन चली वर्ष सेकेंड सीजन वुमेन प्रीमियर लीग को किए जीति किए जीति ना आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीति ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर आरसीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 33rd सरस्वती सम्मान फॉर 2023 फॉर हिज नोवेल रौद्र सात्विकम रौद्र सात्विकम तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो से पचार आमर 33rd सरस्वती सम्मान अवार्ड विनर किए तार कौन हम ना प्रभा वर्मा प्रभा वर्मा पचार कौ उपन्यास तो उपन्यास हूँ रौद्र सात्विकम मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन कन्फेड द संगीत कलानिधि अवार्ड इन 2024 बाय द माड्रास म्यूजिक एकेडमी माड्रास म्यूजिक एकेडमी द्वारा प्रति वर्ष संगीत कलानिधि अवार्ड दिया जाए तो 2024 संगीत कलानिधि अवार्ड रे कहा को सम्मानित करा जाए तो कहा करा जाए तो आमर डायरेक्ट आंसर कर चारटा ऑप्शन अच्छे आप देखुं तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी टी एम कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन द चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2024 से कहते 2024 आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन क्या चमेली देवी जैन अवार्ड दि जाए चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 विनर हो किए ना से होती ग्रीष्मा ठाकुर एंड रीतिका चोप्रा तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ग्रीष्मा कुठार ठाकुर कहीदी मुझे ग्रीष्मा कुठार एंड रीतिका चोप्रा मन रखिए ग्रीष्मा कुठार एंड रीतिका चोप्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 व्हिच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड से कहते 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अनुजाई विश्वर सब हैप्पीएस्ट कंट्री कौटा हैप्पीएस्ट कंट्री लगातार 7 वर्ष है किए बनी ना फिनलैंड ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर इज इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे लोकेटेड से कहते इंडिया प्रथम आयुर्वेदिक कैफे कौटी वर्तमान स्थापना करागला बनागला तो कौटी अच्छी भारत प्रथम आयुर्वेदिक कैफे सी हूँ दिल्ली में अच्छी
दिल्लीर अच्छी ता ना कौन पचार ता ना हूँ सोफा द आयुर्वेदिक किचन सोमा द आयुर्वेदिक किचन इंडियार फास्ट आयुर्वेदिक कैफेर ना हूँ सोमा द आयुर्वेदिक किचन यहाँ कौट ना दिल्ली में बर्तमान अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू आईक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 व्हिच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौटा पचार तो करेक्ट आंसर बांग्लादेश पचार मोस्ट आम इंडिया रैंक के तो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री हिसाब से इंडिया थर्ड पोजिशन अच्छी से आमर इंडिया बहुत आम एयर क्वालिटी बहुत खराब रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस व्हिच इज द हॉटेस्ट ईयर टिल डेट से कहे रिसेंटली क्लाइमेट रिपोर्ट आमर जारी होती अनुजाई यूनाइटेड नेशन द्वारा क्लाइमेट रिपोर्ट रिसेंटली जारी होती अनुजाई एवे सुधा कौटा सब अधिक गरम वर्ष बोली से पचार हॉटेस्ट ईयर कौटा से पचार पर्यंत एवं सुधा हॉटेस्ट ईयर हूँ 2023 ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर 2023 एवं सुधा सब हॉटेस्ट ईयर बोली यूनाइटेड नेशन रो क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज करी। नेक्स्ट रही हु हैज ओन द इंडियन वेल्स टेनिस टाइटल इन मेन्स कैटेगोरी से कहे इंडियन वेल्स टेनिस टाइटल रे मेन्स कैटेगोरी रो विनर किए इंडियन वेल्स टेनिस टाइटल मेन्स कैटेगोरी विनर होची किए से होची कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024 तो 2024 पेरिस ओलंपिक आमर खूब जल्दी आरंभ होगा जाऊँगी तो से वर्तमान इंडिया तरफ फ्लैग बियरर ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी क्या सिलेक्शन करमर तो आरंभ होनी से आरंभ आमर हम ओपनिंग सेरेमनी सिलेक्शन करमर क्लोजिंग सेरेमनी आउ किए रे तो आम ओपनिंग सेरेमनी बर्तमान न्यूज़ आसी तो ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बियरर ध्वजवाहक मैंने आमर जो भारत तरफ इंडिया रो फ्लैग धरिकी से बुलवे तो ध्वजवाहक किए बनले पेरिस ओलंपिक से होती शरत कमल ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर शरत कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री ऑनर्ड पीएम नरेंद्र मोदी विथ द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड तो रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी को क्यों देश तार सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड रे सम्मानित कला तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए भूटान ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑपरेशन डिड द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट टू सेव इंडियन फ्रॉम हेटी 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 रे आमर इंडियन मानकु सुरक्षित रखापी से नहीं कि आसपाई इंडिया गवर्नमेंट द्वारा गोटाए ऑपरेशन लॉन्च करा दे ता ना कौन से पचार इंडियंस मानक सुरक्षित भाव से बाहर करने गोटे ऑपरेशन जारी करा दे ता ना हूँ ऑपरेशन इंद्रावती ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर इज इंडियाज फास्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री लोकेटेड से कहे इंडिया प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कौटी अवस्थित कौटी अच्छी एटा जम्मू एंड काश्मीर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर जम्मू एंड काश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हेयर वाज कंट्रीज फर्स्ट एलएनजी पावर्ड बस इनॉग्रेटेड रिसेंटली एग्जाम इंपोर्टेंट रहा से कहे इंडिया कौ जगार तार प्रथम सीएनजी नुह एलएनजी माने लिक्विफाइड नेचुरल गैस तो एलएनजी द्वारा चालित बस को उद्घाटन करा जाएगी रिसेंटली कोटी ना मुंबई रे आमर उद्घाटन करा जाएगी एटा आमर ए जो बसटा कौन चलो एलएनजी चलो पूर्व सीएनजी रे चलता आम जानते बर्तमान एलएनजी रे चलो लिक्विफाइड नेचुरल गैस रे चलो तो सी हूँ कौटी लॉन्च होती इनॉग्रेट होता मुंबई में इनॉग्रेट होती फास्ट पचार फास्ट जो लिखा है इंपोर्टेंट हो फास्ट जो लिखा जाए से गुड़ाक आम इंपोर्टेंस रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड तो आयरलैंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर वर्तमान किए बनिले तो आयरलैंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर वर्तमान बनी किए से होती साइमन हैरिस ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर साइमन हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज अवार्डेड द सेराविक लीडरशिप अवार्ड से कहे सेराविक लीडरशिप अवार्ड विनर किए सेराविक लीडरशिप अवार्ड रे पुरस्कृत होती डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर
डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। नेक्स्ट रही हु बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन ए मेन सिंगल ट्रॉफी एट ए वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज इवेंट इन बीरूट लेबानन। से कहते लेबानन रीरूट ठारे आमर वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज चली से प्रथम भारतीय किए जी कि आमर मेन सिंगल रे ट्रॉफी विन कर। करेक्ट आंसर हो जी साथिया ज्ञान शेखरन साथिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेंटली हु ओन द एबल प्राइज 2024 फर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स प्रतिवर्ष एबल पुरस्कार दिया जाए यही वर्ष 2024 एबल पुरस्कार विजेता किए से पचार एबल प्राइज विनर होती किए सी होती माइकल टालाग्रांड। माइकल टालाग्रांड आउ एबल प्राइज हूँ आम मैथमेटिक्स नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द डब्ल्यू टी टी फिडर बीरूट 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट। सेम आमर से क्वेश्चन थी आमर मेन्स कैटेगरी किए जीति ना जी साथिया जीति तो ये पचार वुमेन्स कैटेगरी किए जीति। वुमेन्स कैटेगरी आमर वर्ल्ड टेबल टेनिस फिडर आमर टूर्नामेंट चली बीरूट लेबानन से विनर है वुमेन्स सिंगल रे। वुमेन्स सिंगल रे श्रीजा आकुला किए श्रीजा आकुला एग्जाम इंपोर्टेंट रहा इम्पोर्टेंट रहा श्रीजा आकुला। नेक्स्ट देखिए आपण मानकर हू हाज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन इन मार्च 2024। मार्च मासरे रिसेंटली यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी रो डायरेक्टर रूपे क्या निजुक्त करा जाए डायरेक्टर निजुक्त होती किए से होती हंस मिश्र। हंस मिश्र ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर हंस मिश्र। तो लास्ट क्वेश्चन देखिबा आउ दुटा क्वेश्चन रही नेक्स्ट रही हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। से कहते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रो डायरेक्टर जनरल बर्तमान नुआर किए निजुक्ति एनआईए रो नुआ डीजी बनी किए से होती सदानंद बसंत डेट। सदानंद बसंत डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू साइन लैटिन अमेरिका क्लब। से कहते लैटिन अमेरिका क्लब रे जॉइन कर प्रथम इंडियन फुटबॉलर किए एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट रहा लैटिन अमेरिका क्लब रे जॉइन होता फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर होती विजय छेत्री। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर विजय छेत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आज लास्ट क्वेश्चन रही रिसेंटली इन मार्च 2024 वर्ल्ड फर्स्ट एवर ओम शेप्ड टेम्पल इज इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। से कहते मार्च मासरे रिसेंटली वर्ल्ड रो प्रथम ओम आकृतिर टेम्पल आमर इनॉग्रेट करा जाइछि सेटा को स्टेट से पचार तो को स्टेट आप देखते हैं ओम आपनर ओम है ओम आकृतिर मंदिर बना जाइछि एटा कोड बना जाइछि ना राजस्थान रो पाली रे बना जाइछि राजस्थान रो पाली रे बना जाइछि। एथिले आपन मानकर टॉप 50 करंट अफेयर्स जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहा आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे। जदि भिडियो भल लगुच्छे तहले निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानकु निहाती भावे शेयर करेंगे। जदि आप कमेंट सेक्शन में लिखे तो मार्च मासर कंप्लीट 180 क्वेश्चन रही 180 क्वेश्चन रही आम फुल मंथली करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे आप कमेंट सेक्शन में निहाती भावे जदि जनइबे पूरा मंथली करंट अफेयर डिस्कशन करी। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।